साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से शानदार सुप्रभात। आज मैं आपको कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा जी का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले के घुग्गर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गिरधारी लाल बत्रा तथा माता जी का नाम कमला बत्रा था। कैप्टन विक्रम बत्रा पालमपुर में DAV पब्लिक स्कूल में पढ़े। फिर उन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश किया। 1995 में DAV कॉलेज चंडीगढ़ से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी में MA करने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में दाखिला लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने 24 वर्ष की आयु में भारत के लिए साहस का एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जिसे अभी तक भुलाया नहीं जा सका है और ना कभी भुलाया जाएगा। 6 सितंबर 1997 को विक्रम बत्रा ने भारतीय सेना में नियुक्ति की। उन दिनों ने कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए खुद का बलिदान दे दिया। उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें शेरशाह का नाम भी दिया गया है। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हमें भी अपने देश के लिए अपना तन मन धन समर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। विक्रम बत्रा जी का जन्म कब हुआ था? 9 सितंबर। आप सभी का उत्तर सही है, 9 सितंबर 1974 को। विक्रम बत्रा जी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आप सभी का उत्तर सही है, परमवीर चक्र। कैप्टन विक्रम बत्रा जी की माता का नाम क्या था? उत्तर सही है, कमला बत्रा। कारगिल युद्ध कब हुआ था? आपको उत्तर सही है 1999 में। धन्यवाद।